नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी। दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। आईजीएमसी से एक हफ्ते में 85 स्टाफ नर्सेज ट्रांसफर। स्वास्थ्य विभाग की तीसरी लहर को लेकर खुली पोल, तबादलों की लगी झड़ी। अपर शिमला के ननखड़ी में खाई में कार गिरने से दो की मौत। कांगड़ा में डूबा मासूम और बीमारी ने ली सैनिक की जान। सिरमौर के पौंटासाही में शराब फैक्ट्री सील, बिना लाइसेंस के तैयार की जा रही थी दारू। श्री नैना देवी मंदिर में बनेगी हिमाचल की पहली लिफ्ट। दिव्यांग बुजुर्ग गर्भवती महिलाएं आसानी से कर पाएंगे मां के दर्शन। पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की उठाई मांग। 18 साल के ओम ने हिमाचल में रचा इतिहास। रिकॉर्ड समय में साइकिल पर तय कर ली लेह से मनाली की दूरी। हिमाचल में चार दिन भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। एक तरफ सरकारी अस्पतालों में कोविड की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य कर्मियों को अप्रोच से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। अगर स्वास्थ्य कर्मी घर के नजदीक ही काम करना चाहे तो स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हो सकती है। एक हफ्ते में आईजीएमसी से 85 नर्सेज का तबादला बड़ी हैरानी का विषय है। पिछले एक हफ्ते के भीतर आईजीएमसी शिमला में 85 नर्सेज को दूसरी जगह पर भेजना बड़ी हैरानी की बात लग रही है। आईजीएमसी में स्टाफ नर्सेज के 665 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 250 पद ही भरे हुए हैं। दूसरी तरफ जो स्टाफ नर्सेज हैं, वे भी अब तबादला करवाकर घर के नजदीक जाना चाहती हैं। वोट बैंक को देखते हुए अब नेता लोग कर्मचारियों के तबादले में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जिस तरह से तबादले हो रहे हैं तो उस विषय पर सरकार को मंथन करना होगा। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज का कहना है कि तबादले नियमों के तहत ही हो रहे हैं। खाली पड़े नर्सेज के पदों को जल्द भर दिया जाएगा, सरकार से मंजूरी का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश में शुक्र का कहर इस कदर बरपा है कि हंसते खेलते परिवार बिखर गए। ननखड़ी सड़क हादसे में दो सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही कांगड़ा में पोंग डैम में डूबकर 10 साल के मासूम की जान चली गई। वहीं एक सैनिक का बीमारी के चलते निधन हो गया। अपर शिमला के ननखड़ी की ग्राम पंचायत बगलती गत गुरुवार रात लगभग 9:30 बजे एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी रामपुर से खड़ेला जा रही थी। पंजी नाला खड़ेला के साथ पहुंचने पर चालक ने नियंत्रण खोया और गाड़ी सड़क से लगभग 120 मीटर ढांक में गिरकर गहरी खाई में समा गई। वहीं कांगड़ा के फतेहपुर में 10 वर्षीय बच्चे की पोंग जलाशय में डूबने से मौत हो गई। ये बच्चा अपनी माता और छोटे भाई के साथ पशुओं को लाने जा रहा था कि रास्ते के किनारे ही खड़े पानी में गिर गया। दूसरी ओर कांगड़ा जिला के तंगरोटी के युवा सैनिक विशाल की बीमारी के कारण कोलकाता में मौत हो गई। चामुंडा में सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। विशाल 1.5 साल पूर्व ही सेना की आर्टिलरी कोर में भर्ती हुए थे। पौंटासाही में बिना दस्तावेज के शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। ये कार्रवाई राज्य कर एवं आबकारी विभाग जिला सिरमौर ने की है। इस छापेमारी से सरकार का करीब 1 करोड़ से ज्यादा राजस्व बचा है। जिला सिरमौर के पौंटा साहिब में एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिना दस्तावेज के शराब बनाने वाले एक उद्योग पर छापेमारी करते हुए विभाग ने जहां सरकार के करीब 1 करोड़ से अधिक के राजस्व को बचा लिया है, वहीं शराब बनाने वाले उद्योग को भी सील कर दिया है। छापेमारी के दौरान करीब 13,802 लीटर ENA बिना परमिट के पाई गयी। फैक्ट्री में शराब बनाने के लिए जो ENA पाया गया था, उससे करीब 5,155 देसी शराब की पेटियां तैयार की जा सकती थी। विभाग के उपायुक्त सिरमौर प्रीतपाल सिंह ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में राज्य की पहली लिफ्ट लगने जा रही है। लिफ्ट से दिव्यांगों, बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को माँ के दरबार तक पहुँचने में आसानी होगी। श्री नैना देवी मंदिर में लिफ्ट के प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए मंदिर न्यास प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। प्रारंभिक सर्वेक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार की एजेंसी रोपवेज रैपिड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने टाई अप किया है। लिफ्ट से दिव्यांगों को मंदिर तक पहुँचाने में आसानी होगी। इसी मकसद से मंदिर न्यास प्रशासन ने इस महत्वाकांक्षी योजना को मीटिंग में हरी झंडी दिखाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस प्रोजेक्ट पर 4 से 5 करोड़ रुपए तक के खर्चे का अनुमान लगाया जा रहा है। मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम ने बताया, इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है।
पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस ने शिमला राजभवन के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने जुलूस भी निकाला। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की गई। जासूसी कांड के खुलासे के बाद अब मोदी सरकार पूरी तरह बेनकाब हो गई है। राजभवन के बाहर जासूसी कांड के विरोध में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि इस शर्मसार घटना ने सिद्ध कर दिया है कि भाजपा का नैतिक पतन हो चुका है। जैसा आपको मालूम है कि जिस तरह से अभी केंद्र सरकार ने एक मामला जो है सामने आया है, एक इजराइल की जो कंपनी है पेगासस स्पाईवेयर, उसकी मार्फत जो है हमारे जो देश के नेता हैं, राजनयिक हैं, हमारे जो आर्मी के ऑफिसर हैं, पूर्व जनरल हैं, मीडिया के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनकी जो है जासूसी की जा रही है। ये निहायत ही बहुत शर्मनाक घटना है। भाजपा सरकार द्वारा झूठ बोलकर देश को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी पूछा कि वह बताएं कि कोरोना काल में केंद्र के पैकेज से हिमाचल को कितना हिस्सा मिला और वह कहां खर्च हुआ। 25,000 करोड़ का जो पैकेज दिया था प्रधानमंत्री ने, वो भी एक पेज झूठ था। उसमें से हिमाचल का कितना हिस्सा है, कहां तो लोगों की मदद करनी थी। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें 20,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा है, और ऐसे समय जब लोगों को मदद की दरकार थी, प्रधानमंत्री मोदी ने 8,500 करोड़ का विमान खरीदा, वो विमान खरीदा जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। नासिक के 18 साल के ओम महाजन ने शुक्रवार को हिमाचल में साइकिल से इतिहास रच दिया। ओम ने रिकॉर्ड समय में लेह से मनाली तक रास्ता तय किया। इस दौरान वे नए रिकॉर्ड अपने नाम करते चले गए। पेश है स्पेशल रिपोर्ट। नासिक के साइकिलिस्ट ओम महाजन ने साइकिल पर 27 घंटे 54 मिनट में लेह से मनाली का सफर तय कर नया रिकॉर्ड बनाया है। 18 साल के ओम से पहले भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने इस दूरी को 35 घंटे 32 मिनट में तय किया था। ओम गुरुवार को सुबह 6 बजे लेह से मनाली की ओर रवाना हुए थे। लगातार 27 घंटे 54 मिनट चलने के बाद वे शुक्रवार सुबह 9:55 पर मनाली माल रोड पहुंचे। बता दें कि ओम ने साइकिल पर ही पिछले साल श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की 3,600 किलोमीटर की दूरी 8 दिन 7 घंटे 38 मिनट में पूरी कर इतिहास रचा था। लेह से मनाली के सफर का अनुभव साझा करते हुए ओम महाजन ने कहा कि ऊंचाई अधिक होने से उन्हें सांस की दिक्कत हुई, लेकिन उनकी जिद ने उन्हें जिता दिया। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर सता सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज कई क्षेत्रों में दिन के समय मौसम साफ रहा, वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी दरिया और नालों से दूर रहने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो 24 जुलाई को राज्य में गर्जन के साथ भारी बारिश होगी, जबकि 25 से 27 जुलाई के दौरान राज्य में बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 28 व 29 जुलाई को भी अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज दिन के समय मौसम साफ बना रहा। आज मौसम साफ रहने से अधिकतम तापमान में उछाल आया है। और अब चलते चलते हिमाचल प्रदेश में 51 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही अभी भी बंद। 23 DTR सहित 12 पेयजल परियोजनाएं ठप। लाहौल स्पीति में चंद्रताल झील में डूबे युवक का शव बरामद, रेस्क्यू टीम ने निकाला बाहर। पोस्टमार्टम को काजा भेजा शव। प्रोफेसर SP बंसल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए VC, 1 साल 3 महीने बाद विश्वविद्यालय में हुई नियमित तैनाती। कॉलेज के प्राध्यापकों की सरकार को 2 टूक चेतावनी, UGC पे स्केल की राहत नहीं तो जारी रहेगा प्रदर्शन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और देखना ना भूलिए शिमला से 9:30 बजे हमारा विशेष लाइव प्रसारण।